पहुंचाना चाहते हैं। पहला सवाल यह है कि इनके अपने बयान ही नहीं मिलते, इनकी अपनी गोलियों की तादाद ही नहीं मिलती, इनके अपने जो है वो इमरान खान के जख्म ही नहीं मिलते। आज तक ये नहीं बता सके कि इमरान खान को गोली लगी है, गोली के फ्रेगमेंट्स लगे हैं, उनको लगा क्या है और उनके कितने जख्म हैं। एक तरफ कहते हैं जख्म है, दूसरी तरफ प्लास्टर चढ़ा देते हैं। मैंने भी कुछ, मैंने चूंकि खुद क्रिमिनल लॉ पढ़ा हुआ है, सो जो जख्म होता है उसके ऊपर प्लास्टर तो लग ही नहीं सकता। पहली बात वो जख्म गल जाएगा, वो जख्म रह नहीं सकता। सो ये जो इमरान खान साहब ने मेडिको लीगल जो कराया है उसके ऊपर बहुत संगीन सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेडिको लीगल की कानून के तहत, क्रिमिनल लॉ के तहत उसकी चंद शरायत हैं जिसको पूरा करना जरूरी होता है। मेडिको लीगल कोई सरकारी अस्पताल में सरकारी जो ड्यूटी अफसर होता है जिसको मेडिकल लीगल ऑफिसर कहते हैं वो किया करता है। इमरान खान के केस में यास्मीन राशिद साहिबा ने जनाह अस्पताल से 3-4 लोगों की टीम बनाई और उस टीम को जो है वो लेकर वो खुद शौकत खानम गई और वहां पर भी मेरी इतलात के मुताबिक और कुछ मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ है कि एक लेडी डॉक्टर जो हैं उनको सिर्फ अंदर जाने की इजाजत मिली, बाकी तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर बैठे रहे, किसी के सामने वो मेडिको लीगल नहीं हुआ। फिर इमरान खान साहब के जो टेस्ट हैं वो किसी सरकारी अस्पताल से नहीं हुए। इमरान खान साहब तो निजाम बदलने आए थे ना, इमरान खान साहब दूसरों को ताने मारते थे, आप एक अस्पताल नहीं बना सके जहां आपका इलाज हो सके। तो मैं पूछना चाहती हूं कि आप कोई एक अस्पताल सरकारी जो है और फिर 4 गोलियां लगने के बाद उनका 1.5-2 घंटे के अंदर लाहौर पहुंचना, स्टेबल हालत में होना, ये वाकई मौजजे से कम नहीं है। लेकिन उनके लोग बजिद है, उनका वो लोग बजिद है कि आप मान लें उनको कोई गोली नहीं लगी, उनको कोई मिसाइल लग गया है, कोई टैंक तोप का गोला लग गया है। और अभी जो उन्होंने FIR के अंदर जो FIR दर्ज कराने के लिए जो उन्होंने मतन भेजा है, मैं अभी आपके सामने वो भी जरूर पढ़ना चाहती हूँ, उस पर बात करनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब, अब आपने देखा कि कल उन्होंने जो डिजिटल लॉन्ग मार्च है उसका ऐलान किया है, डिजिटल लॉन्ग मार्च होगा और जो इनकलाब है वो भी ऑनलाइन जो है वो दस्तयाब होगा, इनकलाब ऑनलाइन आएगा। और इमरान खान साहब का ये जो पूरा सिनेरियो है और उन्होंने कहा कि वो 10 से 14 दिन के अंदर इस्लामाबाद पहुंचेंगे, आप डेट का अंदाजा लगाइए कि आज से 10 से 14 दिन कितनी डेट बनती है। इमरान खान का जो कतई मतलब पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से नहीं है, वो मान चुके हैं कि इलेक्शन 10 महीने के बाद होने जा रहे हैं। अब ये सारा जो तमाशा है, इनके MNAs की जो है वो ऑडियोज आ रही हैं कि फलानी सड़क बंद करो, फलाना हमें जो है वो सड़कें बंद करनी है, हमने एक तमाशा, एक फितना क्रिएट करना है इस मुल्क के अंदर। और वो फितना काहे के लिए है, वो एक तैनाती रोकने के लिए है। वो तैनाती तो ये नहीं रोक पाएंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान के तहत चलना है, मैंने कई दफा कहा आईने इमरानिया इस मुल्क में नहीं चलेगा, वो नहीं चल सकता। और इमरान खान को आर्मी चीफ नहीं चाहिए, एक बुजदार चाहिए। तो इमरान खान साहब बुजदार नहीं लगा करते आर्मी चीफ, आर्मी चीफ एक मुल्क का, एक फौज का सरबराह होता है और उसको पूरे मुल्क का सरबराह होना होता है, वो वैसे लगेगा जो आईन और कानून के मुताबिक तय किया है। और दूसरी बात, अब इसके अंदर जो रेस्क्यू एहलकार है रिजवान, उसके आपने 2 स्टेटमेंट्स देखे हैं। एक स्टेटमेंट उसने बेचारे ने मासूमियत में, उसमें किसी ने सवाल पूछा, उसने सच्चे सच्ची बता दिया, उसने कहा कि हाँ मैंने ड्रेसिंग की थी और जो घुटने से थोड़ा नीचे छोटा सा जख्म था जिसको मैंने ड्रेसिंग की है। अब उस रिजवान के बयान को भी एक और बयान आ गया है जिसके ऊपर रिजवान बेचारा, जाहिर है जिस प्रेशर का वो शिकार है, जिस तरह से उसके साथ किया गया होगा, और मोहन सलाई साहब ने बाय द वे वो जो उसका वीडियो है वो सोशल मीडिया पे डाला है जिसके ऊपर वो मुकर गया, वो कह रहा है मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता, मुझे समझ कि ये ऐसी कौन सी बात है जिसकी पर्दादारी है।